Everyone, today's video we're going to talk about the motivation techniques for CAT exam, and this is one of the most common topics. जब भी मैं कोई mentoring session लेता हूँ तो mentoring session में हम study plan को लेके बात करते हैं, target setting की बात करते हैं, but towards the end of that mentoring session एक common question आता है कि सर ये सब study plan तो ठीक है but सर हम इस study plan को जब follow करने जाते हैं तो कई बार हम इसको miss कर देते हैं, हम इसको follow नहीं कर पाते आपका study plan, okay, because we are not motivated और हम ना track lose कर देते हैं या ना अंदर से सर वो energy नहीं आती है, बहुत ही लेथार्जिक सा फील होता है, तो कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखो इसकी मैं आपको कुछ टेक्निक्स देने वाला हूँ। ये कोई मोटिवेशनल सेशन इन टर्म्स ऑफ कोई स्पीच या मोटिवेशन स्पीच नहीं है जहाँ पे मैं जबरदस्ती के आपके अंदर जोश भरने वाला हूँ, हम वैसा कुछ नहीं करेंगे, कोई फेक मोटिवेशन नहीं है। आई एम गोइंग टू गिव यू टेक्निक्स, ओके, जिसको दीज आर हार्ड कोर एक्शन आइटम टेक्निक्स, जिसको कि अगर आप फॉलो करोगे ना तो आप अपने आप को काफी मोटिवेटेड रख सकते हो थ्रू आउट योर कैट प्रिपरेशन। ओके, तो वीडियो को ध्यान से देखना, थोड़ा इलैबोरेट हो सकता है, लंबा बन सकता है, ओके, बट ध्यान से देखना बिकॉज आई वॉन्ट टू कवर एवरी पॉसिबल टेक्निक दैट कीप्स यू मोटिवेटेड। ओके, सो बिफोर आई गो अहेड, okay, a quick reminder that in case अगर आपने CAT की preparation अभी start नहीं करी है तो आप please उसको start कर सकते हो, okay, and we have our batches coming up, okay, in case you're looking for personal coaching, okay, we have that options also, okay, so you can start with your demo class, एक demo class enroll कर लो, okay, free का demo class, देखो क्या techniques हैं, क्या shortcut ways हैं to solve CAT questions, okay, and please follow us on Instagram, okay, Instagram पे follow करो, channel को YouTube पे subscribe कर लो, updates regularly मिलती रहेंगी। Now पहला एक्शन आइटम कि देखो आपको ना ये जो जर्नी है ना कैट प्रिपरेशन की काफी लंबी जर्नी होती है, ओके, लंबी जर्नी का मतलब है कि यार नो एनी जर्नी विच इज मोर देन 3-4 मंथ्स भी अगर की जर्नी है तो एक लंबी जर्नी होती है, 3-4 महीने से ऊपर पढ़ना, ओके, एक लंबा पीरियड होता है, तो कई बार तो बच्चे इसको ना साल भर पढ़ते हैं, 2 साल से पढ़ते हैं, 8-10 महीना पढ़ते हैं, तो कैसे अपने माइलस्टोन को सेट करना ये इंपॉर्टेंट। देखो ये चीज समझो कि कैट का सिलेबस बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है, ओके, अंडरस्टैंड ओवरऑल एस्पेक्ट, कैट का बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है। लिमिटेड सिलेबस का क्या है, जैसे वर्बल की बात करूं सिर्फ 4 टॉपिक तो वर्बल में आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, पैरा जंबल आता है, पैरा कंप्लीशन आ जाएगा और पैरा समरी आ जाएगा, यही 4 टाइप के तो क्वेश्चन है। लेकिन इसको अच्छा करने के लिए आपको चाहिए अच्छी खासी प्रैक्टिस, यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस फॉर दैट, ओके, टॉपिक्स का मैं वैसे ही अगर आप देखोगे LRDI में 5 से 7 टाइप के अलग अलग टाइप के पजल सेट्स होते हैं, बिकॉज यहाँ पे वो जो ट्रेडिशनल लॉजिक है, सिलॉजिज्म, नंबर सीरीज, वो सब टॉपिक्स नहीं आते हैं यहाँ पे पजल्स आएंगे, और LRDI की पजल्स आप देखने जाओगे हार्डली 5-7 तरीके के अलग अलग पजल्स होते हैं, या कि आपका क्वांट बेस्ड पजल होगा, ओके, आपके ना जो टीम फॉर्मेशन के पजल्स होते हैं, इस तरीके के अलग अलग 5-6-7 तरीके की पजल्स होते हैं। अब ये जो पजल्स हैं आपके, ओके, ये पजल्स को अगर आप देखने जाओगे इनके लिए भी आपको प्रैक्टिस चाहिए, तो सिलेबस बहुत लिमिटेड है, कॉन्स का एक सिलेबस है, ओके, 35 भी नहीं है, क्लोज टू 25 के आसपास है, ओके, 25 सिलेबस यहाँ पे चैप्टर्स आते हैं, ओके, जो कॉन्स के अंदर है, ओके, सो 25 टॉपिक्स यहाँ पर है, ओके, 5-7 टॉपिक यहाँ पर है, ओके, तो टोटल ले देके अगर आप देखोगे टोटल 35 टॉपिक्स के आसपास हो रहा है, तो टॉपिक्स का जो है इसका मतलब कि सिलेबस बहुत लिमिटेड है। जब सिलेबस लिमिटेड है और प्रिपरेशन का टाइम ज्यादा है तो इसका मतलब क्यों है ऐसा, बिकॉज आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है, और यहाँ पे ये जो सेकंड लेवल है ना, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, बिकॉज वो प्रैक्टिस से हार जाते हैं, थक जाते हैं, तो यहाँ पे आपको माइलस्टोन सेट करने की बहुत जरूरत है, ओके, कि अपने माइलस्टोन को सेट करो, ओके, टेस्ट भी जो है बहुत सारे टेस्ट देने पड़ते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट करने पड़ते हैं, डाउट्स को क्लियर करना पड़ता है, तो अपने माइलस्टोन को सेट करो। माइलस्टोन को कैसे सेट करते हैं, मैं आपको यहाँ पे एक एक्सेल शीट शेयर कर रहा हूँ जो कि हम अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ देते हैं, विच इज कॉल्ड अ स्टडी ट्रैकर। अपने स्टडी को ट्रैक करो कि भाई जैसे मैं परसेंटेज की बात करो, अब मैं परसेंटेज में हम लोग कॉन्सेप्ट ई बुक्स कराते हैं, लेक्चर असाइनमेंट कराते हैं, अरुण शर्मा विच इज अ वेरी गुड बुक, हम वो बच्चों को कहते हैं सॉल्व करने के लिए, ओके, हम टॉपिक वाइज के टेस्ट करा रहे हैं, एडवांस करा रहे हैं, ओके, कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाले हैं, यानी कि इतना सारा मटेरियल हम आपको प्रैक्टिस के लिए देने वाले हैं। लेकिन जब आपको एक ही टॉपिक पे इतना सारा मटेरियल है, दैट मींस इतना सारा प्रैक्टिस करना है, तो आपको अपने छोटे-छोटे गोल्स बनाने होंगे, माइलस्टोन सेट करना होगा। माइलस्टोन सेटिंग क्या चीज होती है, माइलस्टोन सेटिंग में अगर आपने सेट किया फॉर एग्जांपल कि परसेंटेजेस है, तो मैं ये 2 चीज परसेंटेजेस का कवर करूंगा, ओके, जैसे कि अगर आपने किया कि भाई सर मैं जो हूं परसेंटेजेस का कॉन्सेप्ट वाला पार्ट, ओके, और लेक्चर असाइनमेंट कवर करने वाला हूं, तो इसको कोई एक स्पेसिफिक डेट दे दो, ओके, कि किस डेट तक करने वाले हो इसको, ओके, गिव योर डेट, ओके, जो भी 10 दिन का टाइम ले रहे हो, 1 हफ्ते का टाइम ले रहे हो, इसका डेट डालो, ओके, और इसी तरीके से छोटे छोटे माइलस्टोन बनाओ। माइलस्टोन का नाम क्या होता है, माइलस्टोन मतलब ये, जैसे अगर आपको मैं बताऊं ये पूरा ये जो पार्ट है, ओके, दिस एंटायर पार्ट दैट आई जस्ट हाइलाइटेड हियर, ओके, इसको मैं फटाक से आपके सामने यहाँ पे कलर कर देता हूँ, दिस पार्ट इज एरिथमेटिक,
यानी कि परसेंटेज एवरेजेस रेशियो प्रोपोर्शन प्रॉफिट एंड लॉस मिक्सचर एलिगेशन नो सिंपल इंटरेस्ट ओके टाइम एंड वर्क टाइम स्पीड डिस्टेंस इन पूरे टॉपिक्स को मिला के आपके कॉन्स का ऑलमोस्ट 45% पेपर बनता है। अब इस चीज का आप तीन माइलस्टोन बना लो कि भाई सर मैं पूरा ये 45% को ना तीन पार्ट में कर रहा हूँ। ओके आप इसके दो तीन चैप्टर्स का एक साथ ले लो, ये लास्ट के दो चैप्टर्स बड़े होते हैं इनको एक साथ ले लो और यहाँ पे इसका पहला माइलस्टोन कर लो। ओके ये आपका पहला माइलस्टोन हो सकता है। ओके इस माइलस्टोन को अचीव करना है आपको, ये एक माइलस्टोन हो गया आपका, ये आप माइलस्टोन बना सकते हो, इसको एक अलग माइलस्टोन बना सकते हो। ओके इसको जाके कर लो यहाँ पे, चलो ये सेकंड माइलस्टोन हो गया। तो आपने क्या किया, आपने पूरा कॉन्स का 45% को तीन माइलस्टोन में डिवाइड कर दिया। ये तीन माइलस्टोन को अचीव करने के लिए इसको आप यहाँ पे ओके स्पेसिफिक इनके छोटे छोटे गोल्स बनाना है आपको। अब ये छोटे गोल्स डेट वाइज बनाओ ओके ऐसे, और इसको आगे जाके हम लोग देखते रहेंगे कि इसको भी हम लोग छोटे छोटे माइलस्टोन छोटे छोटे गोल्स बनाएंगे इसको हम अचीव करेंगे। अब ये जो चीज है ना, यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी और प्रैक्टिस में आपको बहुत डाउट्स आएंगे और अगर आपने डाउट्स नहीं क्लियर किया तो आप समझ लो ये आपका एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है आपके डीमोटिवेशन का, क्योंकि आपको डाउट्स है, आपको सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुए ओके और यहाँ पे आप डीमोटिवेट होना शुरू होते हो कि सर मेरे से सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको डाउट क्लियर करना है और डाउट क्लियरिंग एटलीस्ट एट MBAP इट्स अ 24/7 फैसिलिटी दैट वी हैव गिवन स्टूडेंट्स ओके, कि जहाँ पे आप आओ डाउट क्लियर करो ओके। आप लाइव लेक्चर में ऐसा नहीं है कि जाके सिर्फ यू नो किसी फेसबुक ग्रुप पे डाल दिया आपने वहाँ पे आप डाउट क्लियर कर रहे हो, ऐसा नहीं है ठीक है। यहाँ पे लाइव सामने सामने लाइव में फैकल्टी के साथ बात करके अपने डाउट्स को क्लियर करो। सो पॉइंट क्या हो रहा है कि देखो सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है, सिलेबस इन टर्म्स ऑफ टॉपिक इज टोटल 35 चैप्टर्स। अगर आप इसको कंपेयर करोगे अपने फुल लेंथ जो भी आपके सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं ओके कॉलेज में, जहाँ पे आप एक सेमेस्टर में 6 से 7 अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो और हर सब्जेक्ट में करीबन करीबन 10 टॉपिक्स है ओके, तो आप समझ लो कि आप एक सेमेस्टर में ही आपको 60 टॉपिक्स आ जाते हैं। तो उसके सामने सिलेबस कम है आपका, लेकिन प्रैक्टिस बहुत चाहिए होती है। तो प्रैक्टिस के लिए आपको टेस्ट देने होते हैं ओके, आपको उसमें यू नो डाउट्स क्लियर करने पड़ते हैं, इतने सारे जो मटेरियल मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है ये मटेरियल आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ है गाइज ओके, कि इसका एक प्रॉपर स्टडी ट्रैकर बनाओ ओके, उसको फॉलो करो, उसके गोल्स बनाओ ठीक है। अब इसीलिए यहाँ पे ये तो माइलस्टोन सेट हो गया कि कैसे माइलस्टोन सेट करना है। मैंने कॉन्स का आपको जो 45% अरिथमेटिक का पार्ट है उसके अंदर मैंने आपको बताया कि तीन माइलस्टोन कैसे सेट करो, उसकी डेट्स डालो ठीक है। अब वो माइलस्टोन अचीव करने के लिए आपको छोटे छोटे गोल्स बनाने की जरूरत है, स्मॉल एंड प्रैक्टिकल गोल सेटिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट ओके, स्मॉल एंड प्रैक्टिकल गोल सेटिंग करनी पड़ेगी ओके। अब यहाँ पे कई बार बच्चों को डाउट होता है सर गोल सेट तो करते हैं लेकिन फॉलो नहीं होता है, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि उसको फॉलो कैसे करते हैं ना, ये भी मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्मॉल एंड प्रैक्टिकल गोल्स बनाना है हमको, जैसे कि मैं आपको इस शीट पे वापस लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे आपको बनाना है। जैसे कि अगर मैंने रखा परसेंटेजेस मैंने यहाँ पे डाले ओके, ये शायद मैंने गलत ऊपर डाल दिया था ठीक है चलो। तो अगर मैंने यहाँ पे डाला परसेंटेजेस, अब आप अगर परसेंटेजेस करने वाले हो ओके, तो मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट का और लेक्चर असाइनमेंट का छोटा सा गोल बनाया। अभी मैं बहुत ज्यादा उसका एग्रेसिव नहीं हो रहा हूँ ओके, कि मैं और चार चीज उठा लूँ ओके। मैंने सिर्फ दो मटेरियल उठाए मेरे, कि मेरा जो लेक्चर का असाइनमेंट दिया गया है आफ्टर क्लास ओके, जो मुझे कॉन्सेप्ट की ईबुक दी गई है मैं इसको कवर करूंगा, इसके ऊपर डेट डाल दो जो भी डेट है आपका, समझो कि आपने 25th डेट डाल दिया कि भाई मैं 25th अप्रैल तक मैं ये चीज खत्म करने वाला हूँ, समझो कि आपने ये चीज करनी ठीक है। आपने ये चीज लिखी यहाँ पे, अब ये आपके पास एक टाइम आया है टाइमलाइन जिसके अंदर आप करने वाले हो। अब इसके अंदर आपको ऑब्वियसली ध्यान रखना है कि इसमें कमिटमेंट तो चाहिए होगा गाइस ओके, कि आपको आपको ये गोल अचीव करना है ओके, आपको पता होना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए। बिकॉज स्पेसिफिकिटी ऑफ गोल क्यों मैं कह रहा हूँ, आपको पता है कि आपका माइलस्टोन क्या है, अरिथमेटिक माइलस्टोन है। अरिथमेटिक के अंदर आपके माइलस्टोन नंबर 1, 2, 3 आपने बना दिए ओके। अब उस 1 जो पहला माइलस्टोन है जिसको कि आप रख सकते हो, मैं 1 महीने का माइलस्टोन रखा आपने कि 1 महीने के अंदर मुझे ना अपना पहला वाला माइलस्टोन अचीव करना है और उस माइलस्टोन के लिए मुझे छोटे छोटे गोल्स बनाने हैं ओके, और उसको अचीव करना है। अब यहाँ पे प्रोसेस आता है कि जब आप इसको फॉलो नहीं कर पाते हो और 99% टाइम्स ओके, 99% टाइम्स ओके मैं कह सकता हूँ कि आपका जो गोल आप सेट करते हो वो एज पर एग्जैक्ट प्लान फॉलो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपको प्लान को फ्लेक्सिबल भी रखना है। फ्लेक्सिबल रखने का मतलब क्या है, फ्लेक्सिबल ये है कि चलो आपने रखा कि आपको कॉन्स करना था ओके, कि या परसेंटेजेस करना था लेकिन नहीं हो पा रहा है, जैसे आप बर्नआउट हो गए हो या आपका ना उस वक्त दिल नहीं कर रहा है वहां पे ओके करने का, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप इमीडिएटली फ्लिप कर लो उसको लॉजिक से ओके, इमीडिएटली फ्लिप कर लो इसको वर्बल से। सो क्या है कि आपका जो टाइम है वो आपको यूटिलाइज करना है,
ये चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, टाइम को यूटिलाइज करो। ये नहीं करना है कि हमने रखा था कि हम 4 घंटा पढ़ेंगे, कॉन्स नहीं दिल कर रहा पढ़ने का तो हमने पढ़ा ही छोड़ दिया। अगर कॉन्स का नहीं ग्रोथ हुआ तो कोई और ग्रोथ हो जानी चाहिए। और फिर हो सकता है कि आपको एक टाइम के बाद लगे कि यार मेरा कॉन्स हर बार छूट जा रहा है। और फिर आप एक बार बहुत ही फोकस करके आप सिर्फ कॉन्स को भी करोगे, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आपका प्लान इतना रिजिड है कि उस रिजिड होने के चक्कर में आपने कुछ भी नहीं अचीव किया। तो प्लान को फ्लेक्सिबल बनाओ, दैट इज इंपॉर्टेंट। प्लान को फ्लेक्सिबल बनाओ, छोटे छोटे गोल सेट करो, जैसे मैंने कहा, और ये छोटे गोल को बड़े गोल के साथ लिंक करो, विच इज योर माइलस्टोन सेटिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो ये सारी चीज मैंने आपको इस एक्सेल शीट में मैंने यहाँ पे दिया है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जैसे ये दिस इज अ माइलस्टोन, इस माइलस्टोन के हिसाब से मैंने यहाँ पे छोटे से गोल दिए हैं। और अगर ये गोल मेरा नहीं अचीव होता है तो इस गोल को मैं फ्लेक्सिबल बनाऊंगा और मैं अपने लॉजिक का कोई टॉपिक है जो कि नीचे से मैं उठा सकता हूँ। और मैं लॉजिक या वर्बल में से मैं यहाँ से कोई चीज कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया कोडिंग डिकोडिंग है, रिलेशनशिप है, जो आपके एनमैट स्नैप रिलेटेड एग्जाम्स में आते हैं, तो हम इस तरीके से वो कर सकते हैं। गोइंग हमने ये चीज देख ली यहां तक। अब ये है, दिस इज अ वेरी गुड टेक्निक, जो मैं खुद करता हूं। जब मुझे आपके लिए वीडियोस बनाने होते हैं तो मैं कई बार ये होता है कि भाई मुझे स्टूडेंट्स को ये वीडियो भेजना है, मुझे इस टाइम तक मुझे ये गाइडेंस स्टूडेंट्स को दे देनी है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि हम किसी वजह से छूट जाते हैं। तो मैं ये कहता हूं मैंने वहां पे प्लान फ्लेक्सिबल बनाया, लेकिन मैंने पूरे हफ्ते का रखा कि मैंने पूरे हफ्ते के अंदर मुझे ये 4 टॉपिक्स की गाइडेंस दे देनी है। अगर वो चीज आगे पीछे भी होगी चलेगा, ठीक है, कि मैंने मंडे का चीज ट्यूजडे को हो गई वेनेसडे को हो चलेगा, लेकिन संडे के पहले मुझे वो चीज लेंगे। That's how I keep my plan flexible and achievable and practical goals. So, इसलिए जब भी मेरा वीकेंड आता है कि भाई ठीक है संडे आया, मैंने शॉर्ट गोल्स जो अपने अचीव कर लिए, सो आई कीप माई सेल्फ कि आई एम गोइंग टू अवार्ड माई सेल्फ विद समथिंग और द अदर। ये अवार्ड वाली टेक्निक क्या होती है ना, ये बहुत कॉमन चीज है। अगर आपने कोई वेट लॉस जर्नी की बात करके ना, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े होते हैं, आपने सुना होगा कि इसके अंदर लोग चीट डे रखते हैं। ये चीट डे क्या है कि अगर उन्होंने हफ्ते में 6 दिन उन्होंने अपनी डाइट कर ली है, तो एक दिन ये अपने आप को थोड़ा रिलैक्सेशन देते हैं, एंजॉय करते हैं, एक तरीके का अवार्ड है खुद के लिए, रिवॉर्ड दे रहे हैं खुद को कि भाई चलो मैंने इतना अचीव कर लिया, 6 दिन मैंने कर लिया तो मैं एक दिन थोड़ा रिलैक्स हो सकता हूँ। वैसा तो वो अगर आपको तब करना चाहिए, वहां पर आपको रिजिड होना चाहिए कि मेरा शॉर्ट गोल अचीव नहीं हुआ है, और इस चक्कर में मैं अपने आप को अवार्ड नहीं दूंगा। शॉर्ट गोल अचीव हो गया है, मैं अवार्ड दूंगा, और वहीं पे आप उसको चीजों लिंक कर लो अपने फन ब्रेक्स के साथ। गाइज एंजॉय करो लाइफ को, ये ऐसी प्रिपरेशन नहीं है जहां पे आपको हेडेक बना लो। अपने लिए डेली रूटीन में पढ़ाई का एक कोटा रखना है कि डेली मुझे 3 घंटा 4 घंटा जो भी आपको टाइम मिल रहा है पढ़ना है डेली बेसिस पे, और उसको अपने फन ब्रेक्स के साथ, यानी कि डेली बेसिस अगर आप एक हाफ एन आवर का भी फन ब्रेक ले रहे हो, आफ्टर योर स्टडीज, बिफोर योर स्टडीज, जहाँ पे आप कुछ म्यूजिक सुन लेते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हो, तो वो भी जरूरी है। माइंड को रिलैक्स होना बहुत जरूरी है, रिफ्रेश करना, रिचार्ज करना बहुत जरूरी है। अगर आप वो नहीं करोगे, अगर आप बैठ के सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई सोचोगे, तो यस इट इज बाउंड कि आप डिमोटिवेट हो जाओगे। इन सारी चीजों से तो वहां पे कुछ चेंज ऑफ रूटीन भी आना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज हैव अ गुड पीयर लर्निंग गाइज। कई बार आप जब एक अकेले साइलो में पढ़ रहे हो, आपको बस आपके बारे में पता है, बट आप ये नहीं देख रहे हो कि दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं। जब दूसरे बच्चों के साथ बात करोगे, कोई एक ग्रुप होगा आपका जहां पे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, एक करियर में या कैट की इसमें एक अच्छी चीज को अचीव करने में, स्कोर अचीव करने में वो दिन रात लगे हुए हैं, वहां पे आपके लिए बहुत अच्छी चीज बढ़ती है। अब ग्रुप बनाने के लिए क्या तरीका है? ग्रुप बनाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे बच्चे डाउट्स डालते हैं, वो डाउट्स को क्लियर भी करते हैं, वो भी एक अच्छा तरीका है। या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हम उनके लिए रेगुलर बेसिस पे डाउट क्लियरिंग सेशंस लेते रहते हैं, हम व्हाट्सएप पे भी डाउट क्लियर करते हैं स्टूडेंट्स का। अब यहाँ पे आपको क्या चीज है, आप जब देखते हो कि दूसरे स्टूडेंट्स डाउट डाल रहे हैं, क्वेश्चंस डाल रहे हैं, वहां पे आपको वो मोटिवेशन आना चाहिए कि यार ये जो डाउट्स आ रहे हैं, ये ऐसे लेवल के क्वेश्चंस तो मुझे आते ही नहीं है, ये दूसरे स्टूडेंट्स डाउट पूछ रहे, दैट मींस वो लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? तो यहाँ पे आपको ये है कि डाउट क्लियरिंग बहुत जरूरी है। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि मोटिवेशन के लिए डाउट्स को क्लियर करना बहुत जरूरी है। हम लोग रेगुलर बेसिस पे 1-to-1 मेंटरिंग दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, एवरी वीक स्टूडेंट्स यू आर हैविंग योर मेंटरिंग सेशन, आपके जो पर्सनल मेंटर आपको मिलते हैं उनसे आप जाके कनेक्ट करते हो, हर सैटरडे संडे को मेंटर आपसे बात भी कर रहे हैं 1-to-1, तो वहां पे आपको समझ में आता है कि भैया मुझे अगर अपने डाउट्स को क्लियर करना है तो आप फैकल्टी तक पहुंचो, आप मेंटर तक पहुंचो, मेंटर आपके लिए खड़े हैं वहां पे डाउट्स क्लियर करने के लिए, आपके क्वेश्चन
क्वेश्चंस को क्लियर करना है, आप क्वेश्चंस के डाउट्स क्लियर करो। बट अगर आपने डाउट्स नहीं क्लियर किए तो आपके दिमाग में बहुत कियोस हो जाते हैं और वो कियोस इवेंचुअली आप जो है वो उन कियोस के चक्कर में डीमोटिवेट हो जाते हो, लेथार्जिक फील करते हो। तो ये सारे टेक्निक्स जो आपको मैंने बताए राइट फ्रॉम द बिगनिंग ओके, जो मैंने आपको बताया वो सारे पॉइंट्स पे आपको काम करने की जरूरत है। क्या है वो सारे पॉइंट्स? ओके, आप दोबारा से एक मैं रिविजन दे रहा हूँ खुद। ओके, ये सबसे पहले माइलस्टोन सेट करना है। माइलस्टोन बड़े सेट करो, ओके, महीने भर का माइलस्टोन सेट करो और उस माइलस्टोन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है, ओके, इन टर्म्स ऑफ योर स्मॉल एंड प्रैक्टिकल गोल्स। एक लाइव एग्जांपल में मैंने आपको यहाँ पे दिया था कि यहाँ पे आपको मैंने कॉन्स में 3 माइलस्टोन बना दिए, ओके, ना एरिथमेटिक को 3 माइलस्टोन में हमने यहाँ पे कवर किया और ये 3 माइलस्टोन को फिर हमने इंडिविजुअल एक एक माइलस्टोन के अंदर हमने स्मॉल प्रैक्टिकल गोल बनाए और ये जो प्रैक्टिकल गोल्स हमने बनाए यहाँ पे, ओके, इन गोल्स को हम फ्लेक्सिबल भी रखेंगे, कॉन्स लॉजिक के साथ इसको मिक्सअप भी कर सकते हैं ताकि हम लोग बर्नआउट ना हो। और एक बार बर्नआउट नहीं होंगे, हमने अचीव कर लिया तो अपने आप को अवार्ड दो, ओके, अपने आप को जो आपके शॉर्ट गोल्स रखे, जो कि आपने वीकली गोल्स रखे कि वीकली मुझे क्या क्या पढ़ लेना है, जब आपने शॉर्ट गोल अचीव कर लिया अपने आप को अवार्ड देना चाहिए आपको, अपने अपने प्लान के बीच में फन ब्रेक्स रखो, दोस्तों के साथ मजे मस्ती करो, मूवी भी देखो, सब कुछ करो, ओके, और यहाँ पे एक ग्रुप में रहोगे जहाँ पे दूसरे भी आपको मोटिवेट कर रहे हैं, ओके, ताकि आपके डाउट्स भी क्लियर हो, मेंटर से बात करो और इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन में कभी भी डीमोटिवेट नहीं होंगे गाइस, ओके, विच इज अ वेरी वेरी पावरफुल टेक्निक्स दैट आई एम गिविंग यू टुडे। सो प्लीज मेक श्योर करना कि आप ये सारी चीजों को फॉलो करो, ओके, और हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज दिस विल ऑलवेज कीप यू मोटिवेटेड फॉर योर प्रिपरेशन। ऑल द बेस्ट।